नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग हैं? उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि लैपटॉप में अगर साउंड नहीं आता है, मतलब कोई अगर वीडियो प्ले करते हैं आवाज नहीं आता है, कैसे चेक करें कि क्या प्रॉब्लम है और कैसे उसको सही कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। ये दोस्तों, हमारे पास ये लैपटॉप है ये, और लैपटॉप में कोई वीडियो प्ले करता हूं, इस लैपटॉप विंडो 11 लोडेड है और यहां पे हमारे पास वीडियो है ये। इसको हमने क्लिक किया और सिंपल तरीके से इसको हमने प्ले कर दिया। प्ले करने के बाद में इस वीडियो के अंदर आवाज नहीं आ रहा दोस्तों, ठीक है? तो मैंने क्या चेक कर लिया, लेकिन उसके आवाज नहीं आ रहा है। तो ध्यान से इधर दिखाता हूं मैं आपको। ये यहां पर नीचे आपको राइट साइड टास्क बार के ऊपर आपको एक साउंड का जो है ऐसा एक स्पीकर टाइप दिखेगा, आपको एक लोगो दिखेगा यहाँ पर, और लोगो बगल में क्रॉस दिख के आ रहा है, क्रॉस आ रहा है ये। तो क्रॉस ये बता रहा है कि कोई प्रॉब्लम है, तभी इसमें साउंड नहीं आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, एक बार लैपटॉप को रिस्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। इस लैपटॉप में विंडो 11 लोडेड है, रिस्टार्ट कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, रिस्टार्ट करने से प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाता है, और रिस्टार्ट करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, फिर दूसरा ऑप्शन देखेंगे क्या हो सकता है। दोस्तों स्टार्टिंग हो रहा है ये, वेट कर लीजिए कितना समय लेता है। और उसके बाद हम जो है इसका पासवर्ड जो है 1 2 3 4 5 6 हमारा पासवर्ड इसको डाल देते हैं। और डालने के बाद इधर आइए दिखाता हूँ मैं, अभी भी क्रॉस ही आ रहा है, देखिए अभी क्रॉस ही आ रहा है, ये क्रॉस है। इसको सही करने के लिए क्या करना है ना, देखिए आपको डेस्कटॉप पे जो है आपको दिस पीसी दिखेगा, विंडो 11 लोडेड है। आप इस पर राइट क्लिक करिए, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, फिर जाएंगे प्रॉपर्टीज में जाएंगे। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद में फिर उसके बाद देखिए नीचे आ जाइए, नीचे आने के बाद में यहाँ पे विंडो 11 में नीचे आ जाइए, और यहाँ दिखाई देगा आपको जो है डिवाइस मैनेजर, दिख रहा है ना, डिवाइस मैनेजर दिख रहा है। इस पर क्लिक करिए, क्लिक करने बाद में एक विंडो खुल के आ जाएगा। इसमें देखिएगा आपको जो है एक ऑप्शन आएगा साउंड, देखिए साउंड वीडियो एंड गेम कंट्रोल लिख कर आ रहा है। इस पर हम क्लिक करेंगे और इसको हम क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे जो है साउंड के अंदर एक लिखा हुआ रियलटेक आर ऑडियो, और यहाँ मार्किंग बना हुआ सही एक तरीके से, शायद ये जाने अनजाने में शायद ये डिसेबल हो गया है। इसको राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद एनेबल पे क्लिक कर देंगे, एनेबल डिवाइस दिया उस पर क्लिक कर देंगे, और उसके बाद देखते हैं यहाँ से ये गायब होता है कि नहीं गायब होता है। यहाँ से ये गायब हो गया जो मार्किंग आ रहा था, इसको बंद करते हैं कोने से और यहाँ से बंद करते हैं, और देखिए उसके बाद जो है यहाँ आते हैं, यहाँ से ये भी जो कट मार कर रहा था वो भी गायब हो गया। दोस्तों अब कोई वीडियो प्ले कर लेते हैं कि साउंड आया कि नहीं आया। तो ये वीडियो हमारा पड़ा हुआ है, इसको हम प्ले कर लेते हैं। तो देखिए साउंड अगर आ गया तब तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग हैं? ठीक है दोस्तों, तो साउंड आ गया। इस प्रकार से आपके लैपटॉप विंडो 11 विंडो 10 लोडेड है, और ये प्रॉब्लम अगर आता है तो इस प्रकार से आप डिवाइस में जाकर के उसको जो है एनेबल कर सकते हैं, आपके भी लैपटॉप का ऑडियो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। दुनिया बहुत सारे लोग ये टेक्निक सीखना चाहते हैं और वीडियो में उनकी हेल्प। चलिए आप सब लोग को नमस्ते दोस्तों।